न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रविवार को सीएम गोरखपुर को देंगे फ्लाईओवर, फोर लेन सिवरेज व जल निकासी के बड़े प्रोजेक्ट की सौगात। 1,821.61 करोड़ की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में रविवार की शाम को आयोजित होगा समारोह। प्रीपेड कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन का शुल्क होता है 7,400 रुपया। दबंग संविदा कर्मी 12,000 से 1 रुपया कम में बिजली का कनेक्शन लगाने को नहीं है तैयार। उपभोक्ता ने किया स्टिंग। मामला बख्शीपुर सब स्टेशन एरिया का। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा, इस मामले की कराई जाएगी जाँच। जाँच पूरी होने के बाद की जाएगी उचित कार्यवाही। तिहत्तरवें संविधान दिवस के अवसर पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान सभा का दिलाया शपथ। सभी ने संविधान की रक्षा की ली शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश ने न्यायालय परिसर में संविधान के प्रस्तावना का किया पाठ। सभी न्यायाधीशों को संविधान की दिलाई शपथ। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 4 मामले। मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व पुलिस की टीम की गई गठित। मौके पर जाकर करेगी निस्तारण। जनपद के माध्यमिक बेसिक विद्यालय के अध्यापक व पुलिस अधिकारियों के साथ एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय सिंह ने की बैठक। स्कूली बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षित अध्यापक व अधिकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को देंगे अच्छी शिक्षा। संविधान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय विभाग में भारत के संविधान की उद्देशिका, महत्व एवं दर्शन विषय पर आचार्य प्रतापादित्य के स्मृति में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संविधान की उद्देशिका की पहली पंक्ति देश के चरित्र को करती है प्रस्तुत। अगली उद्देशिका हमें संविधान का बताती है लक्ष्य। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के तत्वावधान में संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी विनोद कुमार मल ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कचहरी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक निकाली गई रैली। संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा का लिया शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भारत की एकता और अखंडता व संविधान की रक्षा की ली शपथ। और संविधान दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मौलिक सिद्धांत विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की है आत्मा। दिए गए मूल्य स्वतंत्रता समानता पर वर्तमान सरकार कर रही है काम। अब खबरें विस्तार से। 5.5 साल पहले तक पिछड़ेपन का दंश झेलने वाला गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की राह पर है। इसी के अनुरूप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सुदृढ़ किया जा रहा है। शानदार रोड कनेक्टिविटी, सिवरेज व जल निकासी के इंतजाम देश के बड़े महानगरों की तर्ज पर किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं के मद्देनजर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 4 प्रमुख परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री फ्लाईओवर, सिवरेज, जल निकासी और फोर लेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने आ रहे हैं। 1,821.61 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं के शिलान्यास का समारोह रविवार शाम 4 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगा। यहां सीएम उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें महानगर में जलभराव की समस्या का ठोस समाधान करने वाली गोरधोइया नाला प्रोजेक्ट भी है। गोरधोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीरोद्वार तथा नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन व ट्रीटमेंट के निर्माण से संबंधित परियोजना की कुल लागत
474.42 करोड़ रुपए है। रविवार को ही सीएम योगी 561.34 करोड़ रुपए की लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना सी पार्ट टू की भी आधारशिला रखेंगे। उनके हाथों 96.50 करोड़ रुपए की लागत वाले जेल बाईपास 4 लेन पर खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर का भी शिलान्यास होगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद खजांची चौराहे पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही भटहट से बासस्थान मार्ग के 4 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 689.35 करोड़ रुपए है। यह 4 लेन भटहट के पिपरी में निर्माणाधीन प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय तक सुगम यातायात उपलब्ध कराने में मददगार होगा। गोरधोया नाला प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद यह नाला न केवल अतिक्रमण मुक्त होगा बल्कि इससे 2.20 लाख की आबादी सीवरेज व जलभराव की समस्या से निजात पाएगी। कार्यदायी संस्था जल निगम के परियोजना प्रबंधक रतन सेन सिंह के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 19.364 किलोमीटर इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन, 38 MLG की एक STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 61 MLG MPS 19.364 किलोमीटर RCC नाला निर्माण व 22 ब्रिज कलवर्ड आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत कुल 17 वार्डों बिछिया, जंगल तुलसीराम पश्चिमी, शिवपुर, शहबाजगंज, जंगल शालीग्राम, बिछिया जंगल तुलसीराम पूर्वी, रेलवे बिछिया कॉलोनी, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घुसीपुरवा, सिमरा, बशारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर एवं चकसा हुसैन से जनित सीवेज जो नाले में बहते हैं उन्हें प्रस्तावित 38 MLD STP पर शोधित कर रामगढ़ ताल में प्रवाहित किया जाएगा। नाला अतिक्रमण मुक्त होने से इसके कैचमेंट की विभिन्न कॉलोनियों में जलभराव की समस्या का भी निदान हो जाएगा। इस परियोजना में गोरधोया नाले के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण तथा रोड लैंडस्केपिंग का कार्य भी कराया जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को घूमने, टहलने, रोजगार, पर्यटन आदि का भी लाभ मिलेगा। सोमवार 28 नवंबर को सीएम योगी सुबह 10 बजे चंपा देवी पार्क मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में शामिल होकर नवयुगलों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस समारोह में 1000 से अधिक जोड़ों का विवाह प्रस्तावित है। बिजली विभाग के प्रीपेड कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन का शुल्क 7400 होता है, लेकिन बहुत ही दबंगई से संविदा कर्मी 12000 से 1 रुपया कम में बिजली का कनेक्शन नहीं लगाने की बात बेचारे उपभोक्ता से कह रहा है। अपनी बात की तस्दीक में कई बिजली विभाग के ही अधिकारियों की बात कहते हुए यह कह रहा है कि जब उनकी सिफारिश पर भी 12000 रुपये देने के बाद बिजली का कनेक्शन लगा तो आपकी क्या बिसात है। अगर 12000 में बिजली का कनेक्शन लगाना हो तो कहिए, बेचारे उपभोक्ता के पास कोई चारा नहीं रह गया और उन्होंने कनेक्शन लेने के लिए हामी भर दी। लेकिन उपभोक्ता ने इस घूसखोर संविदा कर्मी सन्नी का स्टिंग कर दिया और पूरे फुटेज को गोरखपुर न्यूज को देते हुए अपनी व्यथा भी व्यक्त किया कि कैसे उनके द्वारा प्रीपेड कॉमर्शियल कनेक्शन का फॉर्म भरने के बाद घूस की मांग की जा रही है। यह पूरा मामला बख्शीपुर सब स्टेशन एरिया का है। जब शुक्रवार को इस एरिया के विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी से संपर्क किया गया तो उन्होंने गोरखपुर न्यूज से कहा कि आप उपभोक्ता को हमारे पास भेज दीजिए, हम पूरा मामला देखते हैं। उपभोक्ता शनिवार को उनके पास पहुंचकर जब स्टिंग का वीडियो दिखाया तो उन्होंने गोरखपुर न्यूज को बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दी। आए दिन उपभोक्ताओं से पैसा मांगने की बात सुनने में आती है, लेकिन घूसखोरी का स्टिंग होने से महकमे में हड़कंप तो मच ही गई है। अब देखने की बात यह है कि इस घूसखोर संविदाकर्मी सन्नी पर बिजली विभाग के आला अधिकारी क्या क्या कार्रवाई करते हैं। पूरे मामले पर गोरखपुर न्यूज की पैनी नजर बनी रहेगी, जिसके संबंध में अधिशासी अभियंता बख्शीपुर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने बताया कि एक संविदाकर्मी का पैसा मांगने का वीडियो वायरल हुआ है, जो कि कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन प्रीपेड मीटर लगवाने के नाम पर 12000 मांग रहा है, जिसके लिए जांच अधिकारी नामित किया जाएगा। इस प्रकरण की पूरी जांच होगी, जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बख्शीपुर विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा,
यही है साहब। अब आप लोग बतियाओ दिया लीजिए। देखिए उस परिसर में बताया है, सबसे पहले ये दूसरी चीज में कनेक्शन जो हुआ था तो हमारे यहाँ SDO थे, अब SDO में जेल थे अर्थात डैनी, उनके मार्फत हुआ था, वो 12,000 रुपये दिए थे। आप उनके पड़ोसी से पूछ लीजिएगा, उनके मार्फत हुआ तब 12,000 लगा था। किसके किसके मार्फत? अर्थात डैनी साहब के, SDO साहब के मार्फत। अच्छा अच्छा, तो वही आपको भी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा हमको? अपना समझ लीजिए। फाइल कहाँ है? तो इन्हीं के पास है। फाइल यही सब कमरे में रखी है। अपना समझ बूझ लीजिए। उसमें बकाया है, ज्यादा बकाया है तो उन लोग का बकाया है ना। परिसर वही है ना, परिसर वही है तो प्रीपेड लगा है ना इसीलिए। हाँ तो इसको इसीलिए प्रीपेड लगा रहे हैं ना। वो दिया नहीं गया था, वो किसी के दबाव में दिया गया था। ठीक है, वो किसी के दबाव में दिया गया था। अच्छा, इतने लोग का फोन आया, जो हमारे यहाँ सी ए थे उनका भी फोन आया था, यूट्यूब उनका भी नाम है। तो फिर उसके बाद मना किए SDO साहब की, नहीं नहीं बकाया है। तो फिर SDO साहब से फोन करें सर रहनी से, तो हम तो कहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है जब इतना फोन आ रहा है दे दीजिए कनेक्शन वन, तब उसमें प्रीपेड ऑप्शन रख करके जो है। करना का है कनेक्शन तो हमको चाहिए ही, कनेक्शन चाहिए तो हमको मिला तो दिया। अब अपना समझ लीजिए, अपना नंबर दे दिया, नंबर है लड्डू भाई। सर वीडियो वायरल हुआ जो पैसा मांग रहे सर, क्या कहना? वीडियो वायरल जो हुआ है वो एक हमारे संविदा कर्मी है, उनका वीडियो मैंने देखा, वो जिसको वायरल करने की बात आप कर रहे हैं, और उसमें जांच अधिकारी नामित किया जाएगा। जांच अधिकारी नामित करके इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो भी कार्रवाई जो जो नियत के हिसाब से होगी वो की जाएगी। संविधान दिवस के अवसर पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने कमिश्नरी प्रांगण में अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान सभा की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद् अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। धन्यवाद जो है सभी का। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा में ये संविधान का जो है किया गया था और हमारे 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था, तो आज इस संविधान दिवस के इस अवसर पर अपने जो है अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जो है शपथ हम लोगों ने ली है। संविधान दिवस के अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश ने दीवानी न्यायालय परिसर में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शपथ लिया गया है कि हम सभी भारतीय संविधान की एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न
पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 7 तारीख 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आज संविधान दिवस पर जो हमारे संविधान निर्माता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की को याद करते हुए जो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था अधिनियमित किया गया उसी के प्रस्तावना पाठ कर हम 26 नवंबर का दिवस मनाते हैं। इसमें विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से रैली विधिक जागरूकता रैली निकाल कर और स्कूल कॉलेजों में बच्चों के साथ प्रस्तावना पाठ कर और जो हमारे अन्य जन सामान्य व्यक्ति हैं उनके उन सब में जो है 26 जो नवंबर है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि कैंट थाने में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें 4 मामले आए थे जो कि रास्ता दीवार मकान व भूमि विवाद से संबंधित थे जिसके निस्तारण के लिए राजस्व पुलिस की टीम गठित की गई है जो कि मौके पर जाकर स्थल का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट प्रेषित करेगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, दोनों पक्षों के सहयोग से अधिकतर विवादों का निस्तारण कर दिया जाता है लेकिन जो कोर्ट के मामले रहते हैं उसमें समय लगता है, उनको बताया जाता है कि यह मामले कोर्ट से ही निस्तारण होंगे। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा तो बाद वाला क्यों देना पड़ा एप्लीकेशन? जब दोबारा इन लोगों ने अपहरण किया है बच्चों का तो उस टाइम हमने ये एप्लीकेशन दिखाया सर। कहाँ अपहरण? बच्चों को दिखाया लोगों ने, मेरी बेस्ती जी थाली थी और ननद थी, दो लोग थे मुँह बांध के एक गाड़ी चला रहे थे एक और इसका बैठे थे सामने से और इन लोगों ने जब गाड़ी में बैठाया तो बच्चों को मारना स्टार्ट हो गया, बच्चे चिल्लाने स्टार्ट करता था, कुछ नहीं था, बच्चों को बहुत मारा था बोला तुम तुम्हारी माँ को घर में घुस के मार देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाया। वहाँ से फिर हमको फोन लगाया गया, कुछ वहाँ पहुँचे, वहाँ लोग जाते हैं बच्चे डेली आते जाते हैं और सब मैं 1.5 महीने से डेली बच्चे को छोड़ने जा रही, लाने जा रही, बच्चे बिल्कुल डर। तो आठ बोला बात नहीं दिया थी क्या? मैं गई थी खाने के लिए। तो वहाँ नहीं दी थी आप एप्लीकेशन? थोड़ा बात नहीं मिली जानकारी, बोले कोई बच्चे चले थोड़ी गए हैं, ऐसा किसी ने कोई सुनवाई नहीं। सर इसमें दिक्कत थी ना, इसको टाइप करा के रख लगा लो जो एप्लीकेशन ना उस पर थाना दिवस कैंट के लिए लिखना है ना थाना दिवस का आयोजन किया किस तरह के मामला सुखा कर रखा है
आज कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं मौजूद हूँ, थाना प्रभारी हैं, राजस्व की टीम है, जिसमें कुल 4 प्रकरण अभी तक आए हैं। जो चारों प्रकरण रास्ता, मकान, जमीन, दुकान विवाद से संबंधित हैं, जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और मौके पर जाकर ये लोग जांच आख्या उपलब्ध कराएंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितना कारगर साबित हो रहा थाना दिवस? थाना दिवस चूँकि राजस्व की टीम भी रहती है और पुलिस की टीम रहती है, जो सामान्य मामले रहते हैं आपसी सहमति से सुलझाने वाले, वो तो तत्काल हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मामले रहते हैं, जैसे कोई कोर्ट में चल रहा है या अन्य मामले हैं, तो उसमें टाइम लगता है। थाना समाधान दिवस कारगर तो है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रविवार को सीएम गोरखपुर को देंगे फ्लाईओवर, 4 लेन सिवरेज व जल निकासी के बड़े प्रोजेक्ट की सौगात। 1821.61 करोड़ की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में रविवार की शाम को आयोजित होगा समारोह। प्रीपेड कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन का शुल्क होता है 7700 रुपया। दबंग संविदा कर्मी 12,000 से 1 रुपया कम में बिजली का कनेक्शन लगाने को नहीं है तैयार। उपभोक्ता ने किया स्टिंग। मामला बख्शीपुर सब स्टेशन एरिया का। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा, इस मामले की कराई जाएगी जाँच, जाँच पूरी होने के बाद की जाएगी उचित कार्यवाही। तिहत्तरवें संविधान दिवस के अवसर पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान सभा का दिलाया शपथ। सभी ने संविधान की रक्षा की ली शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश ने न्यायालय परिसर में संविधान के प्रस्तावना का किया पाठ। सभी न्यायाधीशों को संविधान की दिलाई शपथ। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 4 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व पुलिस की टीम की गई गठित, मौके पर जाकर करेगी निस्तारण। जनपद के माध्यमिक बेसिक विद्यालय के अध्यापक व पुलिस अधिकारियों के साथ एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय सिंह ने की बैठक। स्कूली बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षित अध्यापक व अधिकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को देंगे अच्छी शिक्षा। संविधान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय विभाग में भारत के संविधान की उद्देशिका, महत्व एवं दर्शन विषय पर आचार्य प्रतापादित्य के स्मृति में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संविधान की उद्देशिका की पहली पंक्ति देश के चरित्र को करती है प्रस्तुत, अगली उद्देशिका हमें संविधान का बताती है लक्ष्य। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के तत्वावधान में संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी विनोद कुमार मल ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कचहरी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक निकाली गई रैली। संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा का लिया शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भारत की एकता और अखंडता व संविधान की रक्षा की ली शपथ। और संविधान दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मौलिक सिद्धांत विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की है आत्मा, दिए गए मूल्य स्वतंत्रता समानता पर वर्तमान सरकार कर रही है काम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में जनपद के विद्यालय के अध्यापक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के बेसिक व माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा की गई है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल के बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने व समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उससे अवगत करवाया जा रहा है।
हर महीने अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसके अलावा बच्चों को वैल्यू स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया है। हर विद्यालय में एक नोडल अधिकारी, हर थाने से एक SI रैंक का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो कि विद्यालय में जाकर बच्चों को जागरूक करते हैं। SPC एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको केंद्र सरकार ने 2018 में लागू किया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको किस तरह से दूर करेंगे, जिससे इन बच्चों को यातायात नियंत्रण, आपदा में, महामारी में या कोई अपराध में, नशा मुक्ति में उपयोग में लाया जा सके और दूसरों को जागरूक करवाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPC के नोडल अधिकारी CO अजय सिंह ने कहा, एक पीरियड में उत्साह के साथ भाग लेने मतलब इसीलिए इसमें बच्चों के लिए न तो पुस्तक इसके अलावा एक बेसिक जानकारी देने के उद्देश्य से ये आप लोगों को दिखाया गया, क्योंकि काफी लोग इसमें नए हैं, अभी उनको आइडिया नहीं है, तो कुछ आपको आइडिया हुआ होगा कि ये कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है और ये क्यों चलाया जा रहा है। तो ये क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जाना है, जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें चलाया जाना है, कक्षा 8 और कक्षा 9 के बच्चों को इसमें चिन्हित किया जाना है, उनको स्टूडेंट पुलिस कैडेट के रूप में हम लोग चयनित करेंगे और उनको ये सब जो शिक्षा हम लोगों को देनी है एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए वो सब हम लोग देंगे। उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी इसका एक प्रिस्क्राइब जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, प्रत्येक महीने का टॉपिक फिक्स है, उसको हम लोग इंडोर भी कराएंगे और आउटडोर भी ले जा करके बाहर उनको जैसे था यातायात नियंत्रण में करना है, वृद्धावस्था में ले जाना है, वृद्धाश्रम वगैरह जहाँ पे वो भ्रमण कराना है, इसीलिए आपदा प्रबंधन का टॉपिक है, तो कहीं कोई ऐसी दैवीय आपदा या मानव जनित आपदा कोई आती है तो उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, फायर ब्रिगेड वगैरह होता है, NDRF SDRF जो टीमें होती हैं वो क्या काम करती हैं, उनके कहाँ पे हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पे ले जाके उनको भ्रमण कराना है, तो आउटडोर एक्टिविटी में ये सब काम आते हैं जिससे उनका एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। हम लोग समाज और पुलिस के बीच में एक वो ब्रिज का काम, सेतु का काम करेंगे कि जो हमारे बारे में वो बेहतर जानेंगे, सच्चाई क्या है, पुलिस की वर्किंग क्या है, पुलिस का काम क्या है, वो समाज को बताएंगे। ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम एक बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय विद्यालय जो हैं उनमें संचालित किया जा रहा है, उसी की आज एक मीटिंग थी जिसमें विद्यालय के प्राचार्य और विद्यालय के नोडल अध्यापक और जो संबंधित थाने हैं उनके नोडल पुलिस उपनिरीक्षक जो हैं उनको आज यहाँ पे एक मासिक जो गोष्ठी होती है उसमें बुलाया गया था, और इसमें हम लोग जो है बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में अवगत कराने हेतु जो है एक कार्यक्रम का संचालन होता है।
तो महीने भर में हमने क्या कार्यक्रम किया, प्रत्येक माह का एक टॉपिक होता है, उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं कि क्या कितने उसमें इंडोर कक्षाएं चली, कितने आउटडोर कक्षाएं चली हैं, और नेक्स्ट माह हमारा क्या जो है टॉपिक है, उसमें हमको कैसे इसको अच्छे तरीके से संचालित करना है, इसीलिए आज ये गोष्ठी बुलाई गई। किस तरह से ये लोग विद्यालय में जाके लोगों को, बच्चों को, इन लोगों को एक जैसे मैंने बताया प्रत्येक माह का एक निर्धारित टॉपिक है, जैसे इस माह का एक टॉपिक था कि आचार विचार इथिक्स वैल्यूज़, ये माह नवंबर का था, स्वच्छ भारत अभियान भी इसी माह का एक कार्यक्रम था। इस टॉपिक पर उनको इंडोर कक्षाएं चला करके इसके बारे में उनको जागरूक किया जाता है, तथा बाहर ले जा करके वो उनसे संबंधित जो स्थल हैं उनका भ्रमण कराया जाता है, तथा प्रैक्टिकली उनको जो है ये कार्यक्रम कैसे करना है इसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है। तो ये सभी लोग जाएंगे अपने विद्यालयों में, वहाँ पे प्रत्येक शनिवार को इनका कक्षाएं जो है संचालित करेंगे उन बच्चों की, और फिर बाहर ले जा करके उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे। नेट प्रोग्राम ये बेसिकली 2018 में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, और उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, उनको ये अवगत कराना है कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं और उनको हम कैसे दूर करेंगे, तथा वो पुलिस और समाज के बीच एक सेतु का काम कैसे करेंगे, इसके बारे में पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है। तो हमारे एक सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में हम उनको विकसित कर रहे हैं कि जैसे वो कोई आपदा पड़ने पर, यातायात नियंत्रण में कोई महामारी फैलने पर, या कोई अपराध होने में, नशा मुक्ति में, और दहेज जो की कुप्रथा है, वो सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन सबको दूर करने में ये हमारा सहयोग करें, और वो जब जागरूक होंगे उनको पता रहेगा तो स्वयं भी ये सब बुराइयों से दूर रहेंगे, तथा दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इन सब बुराइयों से दूर रहें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय विभाग में संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका, महत्व एवं दर्शन विषय पर आचार प्रतपादित एवं स्मृति में व्याख्यान का आयोजन किया गया। आयोजन के अनुक्रम में विधि विभाग में आचार प्रतपादित स्मृति विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे सेंट एंड्रयूज कॉलेज के पूर्व उपाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर वीपी सिंह ने विधि के छात्रों को संबोधित करते हुए छात्र जीवन के अनुभवों को साझा किया और छात्रों को भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का सुझाव दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने संविधान सभा के गठन, उसके द्वारा संविधान निर्माण पर प्रकाश डाला, साथ ही केशवानंद भारतीवाद का उद्धरण देते हुए बताया कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिकथित किया है कि संविधान की उद्देशिका भारत के संविधान का अभिन्न भाग है। आगे उन्होंने संविधान की उद्देशिका में वर्णित विभिन्न लक्ष्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को क्रियान्वित करने में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों तथा साथ ही साथ उन उपायों की न्यायिक समीक्षा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1979 में LM सिंधवी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, तथा यह प्रस्ताव सबके द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया और तब से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तथा वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा इस दिवस को एक नए नाम संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि संविधान की उद्देशिका की पहली पंक्ति ही इस देश के चरित्र को प्रस्तुत करती है, तथा आगे उद्देशिका हमें इस संविधान के लक्ष्यों को बताती है। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अहमद नसीम, सहायक आचार्य डॉक्टर मनीष कुमार राय, प्रोफेसर सतीश चंद्र त्रिपाठी सहित विधि के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। समस्त विश्वविद्यालय से पधारे हमारे आचार्यगण प्रोफेसर बीएन पांडे जी एवं इन सबसे अजीज, सबसे प्रिय हमारे विद्यार्थी। अपने विभाग में हमेशा ऐसे ही पकड़ में आ जाता हूँ। अभी मैं प्रोफेसर नसीम सर से पूछ रहा था कि भाई मुझे तो नहीं बुला लिए, कुछ बोलना पड़ेगा, तो मैं आज के पवित्र संविधान दिवस के पूरे अवसर
कि आप समस्त लोगों को सभी लोगों को विद्यालय की ओर से सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत आपकी संविधान का महत्व क्या है, संविधान क्यों, जो मैं अब तक समझ पाया हूं कि संविधान इसलिए ताकि हम हमारा एक लक्ष्य हो और वह लक्ष्य हो राम राज्य का लक्ष्य हो कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्यों? क्योंकि संविधान हमेशा एक गुड गवर्नेंस की बात करता है, गुड गवर्नेंस की प्रेरणा देता है, चाहे हमारे व्यक्तिगत संबंधों में हो, चाहे हमारे और राज्य के बीच संबंध हो, हमारे मतलब नागरिकों और राज्य के बीच संबंध हो, चाहे नागरिकों नागरिकों के बीच संबंध हो, चाहे राज्य के कर्तव्य के संबंध में का संदर्भ हो, चाहे नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का संदर्भ हो, हर संदर्भ में हमें एक आदर्श स्वरूप प्राप्त करने की प्रेरणा देता है हमारा संविधान। और आदर्श स्वरूप की प्रेरणा जो है वह आदर्श स्वरूप क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस राम राज्य है। यह अभी गुड गवर्नेंस क्या है, जब हम कभी, वैसे मैं रामायण गीता का अध्ययन मेरा एकदम सिफर है, शून्य है, लेकिन जो कुछ मैं देख पाता हूं उससे हमें यह लगता है कि एक दो मुद्दों पर हो सकता है किसी को कोई उसमें आपत्ति आए, लेकिन जो मैं देख पाता हूं उसमें हमें जो लगता है कहां राम राज्य की अवधारणा मिलती है। शुरुआत से ही आज हम लोग प्रस्तावना को रिसाइट किए हैं, दोहराए हैं और पूरा ओथ के साथ दोहराए हैं, हमको उसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ये सभी शब्द मिलते हैं जो समाहित किए गए हमारे संविधान में, कहीं कहीं हमको मानस में मिल जाते हैं, चाहे वह कम्बन रामायण हो, चाहे वह तुलसीदास कृत रामचरित मानस हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण हो, जितने तरह के हम रामायण पढ़ेंगे उन सब में संप्रभुता हमारी बनी रहे इसकी बात की गई है। राज्य अक्षुण रहे इसलिए अश्वमेध यज्ञ की भी बात की गई है, राज्य संप्रभुता का एक लक्षण अश्वमेध यज्ञ होता है, हर युग में रहा है, हर युग में राज्य की संप्रभुता को रखने की बात की गई है और राम राज्य में भी आ रहा है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात, पंथ निरपेक्षता की बात और गणतंत्र की बात, यह भी हमें राम राज्य में मिलती है। साथ ही साथ न्याय, समता, बंधुता, राज्य की एकता और अखंडता, ये सब हमारे संविधान में किसी न किसी रूप में हमें मिलते हैं। जब भगवान राम वन को जाते हैं, न्याय की पराकाष्ठा देखिए, कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, उस पूरे स्टैंजा को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है कि न किसी इसमें कोई वैर था, न किसी में कोई कुछ था, सब लोग समान थे, सभी लोग एक घाट बाघ और बकरी पानी पीते थे, समता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। न्याय की बात जब आप करते हैं तो भगवान न्याय देते हैं और कहते क्या हैं, न्याय देते समय कहते हैं जब बाल का वध हुआ तो बाल ने पूछा कारण कौन नाथ महिमारा, मैं बहरे सुग्रीव वह प्यारा, भगवान कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सठे कन्या समचारी, पराकाष्ठा हो सकती है। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के तत्वाधान में संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद कुमार मल ने यात्रा के पांचवें दिन टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से महानगर में रैली निकाली। आपको बता दें कि यह रैली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ, जो कि बैंक रोड, विजय चौक, गणेश चौक, शास्त्री चौक होते हुए कचहरी चौराहे पर पहुंची, जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छात्र संघ चौराहे पर स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित करने के बाद विश्वविद्यालय के सामने पंथ पार्क पर समाप्त हुई, जिसके संबंध में बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक व गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद मल ने बताया कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारी यह यात्रा संविधान यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। देश में शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारे के उद्देश्य से विगत 5 वर्षों से देश के विभिन्न इलाकों में निकाली जा रही है यह यात्रा।
बुद्ध, कबीर, महात्मा गांधी, गुरु गोरक्षनाथ के विचारों की यात्रा है, जिसके माध्यम से इन महापुरुषों की शिक्षाओं को जनता में प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर फादर साबू, सिराज अहमद अब्दुल्ला, प्रवीण गुप्ता, सरदार जसपाल सिंह, एच एस मल, शैलेंद्र कबीर, जगदम्बा राय देवयानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संस्थापक व गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद कुमार मल ने कहा, आप सभी इस यात्रा में 100 कदम हमारे साथ चलें, भारत की साझी विरासत की इस यात्रा में आएं, भारत की गौरवशाली परंपरा में आपके नफरत ताकतों के विरुद्ध जिन्होंने हमेशा हम लोगों के बीच बंटवारा, ये देश इंसानियत का देश है, शांति का देश है। कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला हमें अपने घर से निकालेगा, कोई बाहर वाला हमें अपने घर से निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मैं प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में तुम जहरिए ना घोलो, मीठे पानी में तुम जहरिए ना घोलो। पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। और इस संविधान को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के हर समाज, हर राज्य, हर भाषा, हर धर्म के लोगों ने अपना योगदान दिया है। संविधान के जो मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे मूल्यों के लिए हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई के साथ साथ हम इन अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़े बड़े लोग, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग बैकग्राउंड से लोग शामिल थे। और आजादी के समय, जब आजादी पाने के समय जब संविधान बन रहा था, तो उठाने संघर्षों को, भारत की सामाजिक स्थिति को, भारत के इतिहास को और भारत की परंपराओं को संविधान में शामिल किया गया है। और वही संविधान के मूल्य हैं जो उसे कबीर तक अपने कार्यक्रमों में आप सबके समक्ष लाता है। बुद्ध से कबीर तक यात्रा का उद्देश्य आप जानते हैं कि सर्वधर्म संभाव को मजबूत करना है।
यही संविधान में भी कहा गया है। संविधान क्या? संविधान के प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द यानी कि पंथनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो हर एक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता जो हमें संविधान ने दी है और जो कि एक बहुत बड़े संघर्ष का नतीजा है, हम उसको खोना नहीं चाहते। आजकल ऐसा माहौल हो गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि धर्म और जात के नाम पर ज्यादा कुछ लड़ाइयां हो रही हैं। अभी हमारे प्रेरणा कला मंच के साथियों ने आपके समस्त गीत प्रस्तुत किया और दोनों गीत में साथ में रहने की बात हुई थी। ये बुद्ध से कभी तक यात्रा है, 22 नवंबर से शुरू हुई थी और आज इसका आखिरी दिन है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे मैं सभी गोरखपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। बुद्ध से कबीर तक यात्रा संविधान के मूल्यों को ही मजबूत करने के लिए है। भारत की साझी विरासत, जो हम सब की विरासत है, हम सब लोग मिल करके रहते हैं, उसी को मजबूत करने के लिए अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम संदेश लेकर घूमते हैं। और ये यात्रा पिछले 5 दिनों से गोरखपुर शहर में, बड़हलगंज में, महाराजगंज में, देवरिया में, अलग अलग जगहों पर तथा शैक्षणिक संस्थानों में गई है। यात्राएं अलग अलग जगहों पर निकाली गई हैं और बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए हैं। आज संविधान दिवस है, आज गोरखपुर शहर में यात्रा है और आज शाम में फातिमा कॉलेज के PGSS ऑडिटोरियम में हमारा समापन कार्यक्रम है, जो संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ही रखा गया है। कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने सभी कांग्रेसियों को भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण्यता, समानता बनाए रखने के लिए भारत के संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सभी वर्गों को मान दिया था। संविधान के तहत सभी को अपने अधिकार से जीने का अधिकार अपने तरीके से मिला था, चाहे वो निचले स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो समान व्यक्ति हो, सभी को संविधान में समानता दी गई है। उन्होंने कहा, संविधान दिवस के अवसर पर समस्त कांग्रेस जन संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा करते हुए देश की एकता अखंडता को बरकरार रखेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव, PCC सदस्य दिलीप कुमार निषाद, जितेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर वजाहत करीम, तौकीर आलम, धर्मराज चौहान, SP सिंह, देवेंद्र निषाद, धनुष, राकेश मौर्य, महेंद्र नाथ मिश्रा, कात्यानी मिश्रा, सच्चिदानंद पांडे, अविनाश पति त्रिपाठी, मकसूद आलम, ऋषिचंद गुप्ता, गुलाम ताहिर, चौधरी एजाज हुसैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
निर्मला पासवान, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। देखिए, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बृजलाल खाबरी जी के निर्देशानुसार जिला और महानगर गोरखपुर में बाबा साहब की मूर्ति पर संविधान दिवस को मनाया जा रहा। आज संविधान दिवस का 73वां संविधान दिवस है, जिसमें हम सभी लोग मिल करके बाबा साहब के आदर्शों को, उनके नियमों को, उनके कानून को, उनके सपनों को यहाँ साकार करने के लिए सभी युवाओं और सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना सारे देशवासियों को देते हैं। धन्यवाद। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विभाग व रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मौलिक सिद्धांत विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रूसी राम महानंदा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारी संविधान की आत्मा है और उसमें दिए गए मूल्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आलोक में वर्तमान सरकारें काम कर रही हैं। उन्होंने संविधान के मौलिक सिद्धांत, पंथ निरपेक्षता व समाजवाद का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मानने व प्रचार प्रसार के स्वतंत्रता है। समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारत ने समाजवादी विचारधारा को पोषित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां लोक कल्याण का अर्थ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की शिक्षक डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, विकास पाठक, डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी, डॉक्टर सुनील सिंह सहित छात्र व छात्राएं मौजूद रहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत उसे स्वीकार कर लिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमने एक लॉ औपनिवेशिक, हमने शोषण को झेला था, अधिकारों से हम वंचित रहे, स्वतंत्रता के उपभोग करने की हमको कोई स्थितियां नहीं मिली थी, इसलिए उस कटु अनुभव से हम कैसे मुक्त हो, ये कोशिश संविधान सभा ने की। अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से एक उत्कृष्ट जीवन शैली हम प्रदान कर सकें, ये हमारे संविधान की प्रतिबद्धता है। किसी देश का संविधान सिर्फ नियमों और विनियमों का समुच्चय ही नहीं होता, बल्कि उस देश के अनगिनत नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी होता है। उस देश के संविधान से उस देश की जन आकांक्षा की एक झलक मिलती है और भारत का संविधान भी शायद उसके नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है। दुनिया की तमाम क्रांतियां हुई हैं, जिसमें दो क्रांतियों का उल्लेख आदरणीय महानंदा सर ने अपने संबोधन में कहा। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो खून खराबा होगा, ऐसा हमारे विचार में मानस में आता है, लेकिन दुनिया में एक अजीब क्रांति हुई, पूरी व्यवस्था बदल गई, राजशाही से लोकशाही के तरफ संक्रमण हो गया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। विद्वानों ने इस घटना को गौरवशाली क्रांति कहा, क्योंकि यह रक्त रंजित क्रांति नहीं थी और इंग्लैंड की पूरी व्यवस्था बदल करके मैग्ना कार्टा में जो नागरिकों के समक्ष हस्ताक्षर युक्त आश्वस्ति थी उसके क्रियान्वयन के तरफ इंग्लैंड को बढ़ना पड़ा। एक ऐसी संकल्पना
लोकतंत्र को हम एक शासन की पद्धति भी कह सकते हैं और इन सब से बढ़कर के लोकतंत्र को हम जीवन की पद्धति कह सकते हैं। चाहे विश्व शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के क्रियान्वयन की बात हो, ये सारे सद्गुणों से युक्त संकल्पनाएं बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था के संभव नहीं है। तंत्र होगा जो पहले था, दुनिया के विभिन्न कोनों में देशों में था, चाहे वो लोकतंत्र होगा जहां की सत्ता की धुरी और संप्रभुता का मुख्य स्रोत वो आम नागरिक जनता होगी, और या तो तीसरी कोटि होगी जिसे हम डिक्टेटरशिप, अधिनायकवादी तंत्र या तानाशाही कहते हैं। जन चेतना का ऐसा प्रभाव था कि हमने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र को चुना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना, और हमारे संविधान सभा में उपस्थित आधा घंटे में पूरे संविधान का वाचन किया जा सकता है। पूरे संविधान को आधे घंटे में हम पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। रविवार को सीएम गोरखपुर को देंगे फ्लाईओवर, फोर लेन सिवरेज व जल निकासी के बड़े प्रोजेक्ट की सौगात। 1,821.61 करोड़ की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में रविवार की शाम को आयोजित होगा समारोह। प्रीपेड कॉमर्शियल 1 किलोवाट के बिजली कनेक्शन का शुल्क होता है 7,400 रुपया। दबंग संविदा कर्मी 12,000 से 1 रुपया कम में बिजली का कनेक्शन लगाने को नहीं है तैयार। उपभोक्ता ने किया स्टिंग। मामला बख्शीपुर सब स्टेशन एरिया का। विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अतुल रघुवंशी ने कहा, इस मामले की कराई जाएगी जाँच, जाँच पूरी होने के बाद की जाएगी उचित कार्यवाही। तिहत्तरवें संविधान दिवस के अवसर पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान सभा का दिलाया शपथ। सभी ने संविधान की रक्षा की ली शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश ने न्यायालय परिसर में संविधान के प्रस्तावना का किया पाठ। सभी न्यायाधीशों को संविधान की दिलाई शपथ। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 4 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व पुलिस की टीम की गई गठित, मौके पर जाकर करेगी निस्तारण। जनपद के माध्यमिक बेसिक विद्यालय के अध्यापक व पुलिस अधिकारियों के साथ एसपीसी के प्रभारी सीओ अजय सिंह ने की बैठक। स्कूली बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षित अध्यापक व अधिकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को देंगे अच्छी शिक्षा। संविधान दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय विभाग में भारत के संविधान की उद्देशिका, महत्व एवं दर्शन विषय पर आचार्य प्रतापादित्य के स्मृति में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संविधान की उद्देशिका की पहली पंक्ति देश के चरित्र को करती है प्रस्तुत, अगली उद्देशिका हमें संविधान का बताती है लक्ष्य। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के तत्वावधान में संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी विनोद कुमार मल ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कचहरी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक निकाली गई रैली। संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा का लिया शपथ। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भारत की एकता और अखंडता व संविधान की रक्षा की ली शपथ। और संविधान दिवस के अवसर पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मौलिक सिद्धांत विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की है आत्मा, दिए गए मूल्य स्वतंत्रता समानता पर वर्तमान सरकार कर रही है काम। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।